तो चलिए बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए। तो हम बात कर रहे हैं 17 से 23 मई तक के वीक की, और ये वीक अब कल से ही स्टार्ट हो रहा है। तो ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा, ये आप चंद्र राशि से वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आपकी चंद्र राशि कन्या हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बात करते हैं सबसे पहले 17 और 18 मई की। 17 और 18 मई को चंद्रमा अपनी खुद की ही राशि में गोचर करेंगे, कर्क राशि में। कर्क राशि में रहते हुए ये आपके लाभ स्थान में स्थित होंगे। लाभ स्थान में इनका स्थित होना आपको धन संबंधी सफलता दिलाएगा, यानी आपको लाभ होगा, साथ में धन की वृद्धि होगी। अब वो वृद्धि आपके जॉब के द्वारा हो, चाहे आपको अपने मित्रों से कहीं से आपको सहायता मिले, या किसी भी प्रकार का आपका कोई पैसा कहीं पर अटका हुआ हो वो प्राप्त होगा, या अन्य कोई आपको आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। तो ऐसी स्थिति में इन 2 दिनों में आपको पैसा अच्छा खासा आएगा आपके पास, और पैसे की बचत भी हो पाएगी। इस समय अगर आप मार्केटिंग या फिर शेयर बाजार, जुआ, सट्टा, लॉटरी वगैरह इन सब से जुड़े हुए कार्य करते हैं तो आपको पैसा अच्छा खासा मिल सकता है। अब अगर बात करें तो चंद्रमा क्योंकि लाभ स्थान में रहने वाले हैं, तो इस समय आप कोई भी जो कार्य करेंगे वो अपने लाभ के लिए करेंगे, या जो भी काम करेंगे उसमें अपना लाभ आप अवश्य देखेंगे। कुछ आप अपने मित्रों से भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको पैसे की जरूरत हो। इस समय हर कोई आपकी मदद के लिए आगे आएगा। कुछ दोस्त ऐसे हो सकते हैं जो लंबे समय तक आपकी सहायता करें। कुछ नए दोस्त भी आपके बन सकते हैं। इस समय आपको विशेषकर स्त्रियों से भी अच्छी मदद मिल सकती है। इसके साथ ही आपके बड़े भाई के साथ भी आपके संबंध काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। साथ में कुछ ऐसे वीआईपी लोगों से अगर आपके संपर्क हैं तो उनसे आपको मदद मिलेगी। चंद्रमा जो कि यहाँ से आपके पंचम भाव को देखेंगे, पंचम भाव को देखने से आपको अपनी खुद की एजुकेशन के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। आपका पढ़ने में रुचि रहेगी, साथ में आपको अपनी संतान के प्रति बहुत ही ज़्यादा, जो है हम कहें कि संतान के प्रति बहुत ज़्यादा आप झुकाव रखेंगे, तो उनके साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा। संतान से आपको मदद मिल जाएगी, और इमोशनल जो आप अपनी संतान के लिए होंगे तो कहीं ना कहीं आपके मन में भावुकता देखी जा सकती है, और वो जो भावुकता रहेगी संतान के प्रति आप बहुत ज़्यादा स्नेह प्रकट करेंगे। तो ऐसे स्थितियों में आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर संतान की तरफ से जो स्नेह आप चाहते हैं वो मिल सकता है। और आप अगर किसी के साथ फिलहाल प्रेम संबंधों में हैं तो प्रेम संबंधों में आपको अच्छा रहेगा ये समय। साथ में जिन लोगों का अभी किसी से कोई प्रेम संबंध नहीं है उनके लिए एक नई शुरुआत हम कह सकते हैं। तो ये समय काफ़ी अच्छा है। शुरुआती 2 दिन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाले हैं। साथ ही आप अपनी संतान से रिलेटेड या अपनी एजुकेशन से रिलेटेड कोई नया डिसीजन ले सकते हैं। इस समय आपको संतान की प्राप्ति होने से आप काफ़ी ज़्यादा खुशी भी महसूस करेंगे। तो ये 2 दिन आपके लिए लाभ के हैं, और जहाँ तक हो सके आप जो भी पैसा आपको मिलेगा उसको बचत के रूप में अगर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहने वाला है। उसके बाद 19 और 20 तारीख को चंद्रमा एक राशि आगे बढ़कर आपके 12वें भाव में पहुँचेंगे। 12वें भाव में होने से इस समय सेहत से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं हो सकती हैं, आपको कोई डिसीजन लेने में परेशानी हो सकती है, साथ में आपका रूटीन अच्छा नहीं रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपका पाया स्वास्थ्य का बहुत ही कमजोर रहेगा। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप अपने स्वास्थ्य पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान केंद्रित करें। इस समय आपकी फैमिली या आपका खुद का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। इस समय आपको हालांकि विदेश से लाभ हो सकता है, अगर विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी आपका कार्य है, कोई भी बिजनेस है, कोई भी जॉब है, तो उससे आपको मदद जरूर मिलेगी। लेकिन ये समय में आप अपना रूटीन ठीक से पूरा नहीं कर पाएंगे, आप कोई भी काम समय पर नहीं कर पाएंगे। साथ में आपके ऑफिस में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा यहाँ से आपके 6th हाउस को भी देखेंगे। ऐसी स्थिति में आपको कुछ ना कुछ पुराना अगर कोई रोग है तो उसकी वजह से भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ में कोई प्रॉपर्टी का मैटर है या किसी से कोई और विवाद आपका पहले हुआ था तो वहाँ पर भी आपको खराब रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो चंद्रमा का 12वें भाव का जो गोचर रहेगा इन 2 दिनों में आपको परेशानी ही रहने वाली है। साथ में इस समय में आप अनावश्यक जो खर्चे हो रहे हैं उनको रोकने की कोशिश अवश्य करें, और आपका पहले का जो बचाया हुआ धन है उसको पूरा खर्च ना करें। साथ में आपको इस समय कोई उपासना करनी है, कोई साधना करनी है, या आपको स्पिरिचुअल होना है, आपको पूजा पाठ में रुचि लेनी है, वो सब आप कर सकते हैं। इससे आपको ज़्यादा फायदा भी होगा। साथ में आपका मन है वो एक जगह केंद्रित नहीं होगा, मन में कुछ ऐसे नकारात्मक विचार भी आ सकते हैं, या फिर आपका जो मन है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचेगा, तब जाकर आप डिसीजन ले पाएंगे, यानी मन बहुत धीरे काम करेगा।
ऐसी स्थिति में कोई भी आपको फैसला करना हो, तुरंत फैसला करना हो, तो आप वहाँ पर सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो जल्दबाजी करने की कोशिश आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है और अपने जो निर्णय हैं उन पर आपको टिके रहना है और कॉन्फिडेंस आपको बनाए रखना है। ऐसी स्थितियाँ अगर आती हैं जहाँ पर आपको मान लीजिए बहुत ज़्यादा कोई ऐसी क्विक कंडीशन आ गई जहाँ पर बहुत जल्दी निर्णय लेना हो, तो ऐसी कंडीशंस का आपको पूर्वाभास भी हो सकता है और आप उसके लिए कोई ना कोई निर्णय अवश्य लेकर रखें। और एक सिक्के के दोनों पहलू यानी नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पर ही विचार करें और उसके बाद अपना निर्णय लें। ये समय आपके लिए दूरगामी निर्णयों के लिए अच्छा नहीं होगा, हालांकि आप शॉर्ट टर्म का कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। इसके साथ ही आप किसी के साथ पैसे का लेन देन करते हैं, किसी को पैसा उधार देते हैं या किसी से पैसा उधार लेते हैं, तो सावधानी जरूर बरतें, आपको थोड़ी समस्या यहाँ पर हो सकती है। चंद्रमा के 12वें भाव में होने से आपको नींद से जुड़ी हुई समस्याएं रहेंगी, आपको कुछ पारलौकिक शक्तियों का अनुभव होना, डरावने सपने आना, ये सारी घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं। इसके बाद की जो स्थिति रहेगी 21 और 22 मई को चंद्रमा एक राशि आगे बढ़ जाएंगे, तो ये आपके राशि स्थान में ही आ जाएंगे। अब आपके राशि स्थान में चंद्रमा के होने से ये समय आपके लिए कुछ अच्छे निर्णय लेने का होगा। आप कोई दूरगामी निर्णय लेना चाहें, कोई लॉन्ग टर्म का निर्णय लेना चाहें, वो इस समय ले सकते हैं। आप तेजी से कार्य कर पाएंगे, हालांकि अभी भी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी रहेंगे और मन में विचारों का बहुत बड़ा तूफान सा उठेगा, तो ऐसे स्थिति में खुद पर आपको नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी है। साथ में कुछ ऐसे निर्णय आपको जल्दबाजी में लेने पड़ सकते हैं, जैसे बिजनेस से रिलेटेड कोई आपको विचार आ रहा हो, कोई आपको नया बिजनेस शुरू करना हो या कोई डिसीजन लेना हो बिजनेस से रिलेटेड, तो वो आप ले सकते हैं। आपको जीवन साथी की तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा। अगर वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या या दिक्कत आ रही थी तो वो दूर हो पाएगी। ऐसी स्थिति में अब आपको चाहिए आप खुद पर भी फोकस करें और अपने बिजनेस या अपनी जो मैरिड लाइफ है उस पर भी फोकस करें। अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं या जनता की सेवा करते हैं किसी भी माध्यम से, तो लोगों का आपको सपोर्ट अवश्य मिलेगा और लोग आपको अच्छा मानेंगे और इससे आपको मन में संतुष्टि होगी, आपको खुशी भी होगी। चंद्रमा के राशि स्थान में होने से आपका हर कार्य समय पर आप पूरा कर पाएंगे और आप काफ़ी अच्छा फील भी करेंगे। ऐसे स्थिति में अगर आप कोई अच्छे राइटर हैं तो आप अच्छी कोई जैसे लेख लिख सकते हैं, कोई बुक लिख सकते हैं, तो ऐसे विचार भी आपके मन में आएंगे और अपना जो कल्पनात्मक जो आपका बिहेवियर है वो थोड़ा सा इस समय ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अपनी कल्पना शक्ति का यूज कीजिए। अगर आप आर्टिकल लिख सकते हैं, अच्छा आर्टिकल किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड, राजनीति से रिलेटेड हो, चाहे आप एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं, तो ऐसे कार्यों में आपको अच्छी सफलता ये समय में मिल सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें अंतिम दिन की, तो 23 मई को चंद्रमा एक राशि आगे बढ़कर आपके दूसरे भाव में स्थित हो जाएंगे। ऐसे स्थितियों में हम कह सकते हैं आपको धन की अचानक प्राप्ति हो सकती है, साथ में आपके बचत होगी, परिवार के साथ रिश्ते काफ़ी अच्छे रहेंगे। अपनी वाणी से कोई भी आप कार्य करते हैं तो वाणी से आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं, अपनी फैमिली या अपने दोस्तों को, और उनसे कोई काम निकलवा सकते हैं। इस समय जो आपके ज़्यादातर खर्चे होंगे अपनी फैमिली से रिलेटेड ही हो सकते हैं, साथ में कुछ खान पान में परिवर्तन आप कर पाएंगे। ये समय में आपको अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, पैतृक संपत्ति या आपके इनलॉज से आपको कोई पैसा या धन मिलने वाला हो तो मिल सकता है, साथ में पैतृक संपत्ति में आपको लाभ हो सकता है। इस समय हालांकि कुछ दुर्घटनाएं भी आपके साथ हो सकती हैं, किसी ऊंचे स्थान से गिर जाना या कोई दुर्घटना हो जाना, एक्सीडेंट वगैरह हो जाना, तो ऐसी जो समस्याएं हैं उनसे आपको बचकर रहना चाहिए। साथ में इस समय कोई ऐसी घटना भी हो सकती है जो आपकी लाइफ को आने वाले समय के लिए पूर्णतया बदल सकती है, तो इन सब से आपको सावधान रहना होगा। साथ में इस समय आपको अचानक धन की जो भी प्राप्ति होगी उसको आप बचत के रूप में रख पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फैमिली पर ध्यान देंगे, तो ये अंतिम दिन आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। इस वीक में आपके लिए जो शुभ रंग रहेगा वो रहेगा हरा रंग और आपके लिए जो शुभ अंक रहेगा वो रहेगा 4। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।